हेलो दोस्तों, बैडमिंटन यूट्यूब चैनल। और दोस्तों आज मेरे साथ कुछ कांड हो रखा है, थोड़ी सी मेरी गाड़ी एक्सीडेंट हो रखी है, इसका हैंडल वगैरह सब टेढ़ा हो रखा है। तो आज हम वही देखेंगे कि ये एक्टिवा सब्जी का अगर हमें टी बनानी पड़े, अगर रिपेयर करवानी पड़े तो किस प्रकार हम करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं प्रॉपर से स्टार्ट, बिना देरी के खोलना करते हैं स्टार्ट और दिखाते हैं हम आपको हमारी टी जो है हैंडल की कितनी टेढ़ी हो रखी है और कितनी टेढ़ी नहीं हुई है, और इससे हमें क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या क्या दिक्कतें नहीं आ रही, क्योंकि गाड़ी बिल्कुल चल नहीं पा रही है, बहुत एक साइड को भाग रही है। और टी भी मेरे हिसाब से अच्छी खासी टेढ़ी हो चुकी है इसकी, मैंने अभी चला कर चेक की थी। तो चलिए दोस्तों हम फटाफट से इसको खोलते हैं, खोलने के बाद आपको दिखाते हैं, टी बाहर निकालते हैं और सारा कुछ क्लियर करवाते हैं, टायर खोल लेते हैं इसका। ये सब नॉर्मल सी चीज़ें हैं, ये सब ज़्यादा दिखाना इतना कोई इम्पोर्टेंट है नहीं, सारा कुछ जानते हैं। तो हम सीधे क्या करते हैं, टायर हमने बाहर निकाल लिया है, निकालने के बाद अब हम चेक करते हैं इसकी टी खोलना है। एक्टिवा 6G है, थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर होती है बिना पैनल खोले और बिना वो किए, मेरे पैनल वैनल भी डेंट आ गए हैं, मटगाड़ी भी डेंट आ गए हैं, ये सारा कुछ मैं करने वाला हूँ अपने हाथों से। तो इसके लिए आपको 14 और 17 का ऊपर नट रहता है, वो नट खोलना पड़ेगा 14-17 वाला। तो चलिए हम उसको भी खोलते हैं और स्टेयरिंग को किस प्रकार से निकालना है हमने एक्टिवा 6G का, वो मैं आपको आसान तरीका एक बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों हम इसे खोल लेते हैं और उसके बाद दिखाते हैं एक आसान तरीका आपको हम निकालने का। चलिए खोलते हैं इसको फटाफट से। तो नट हमारा खुल चुका है, बाहर हो चुका है, अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं, स्टेयरिंग भी बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बताओ बट ये ओल्ड एक्टिवा के जैसा ये बाहर कोई नहीं निकल पाएगा। ऊपर खींच के आपका आपको सबसे पहले ये नट खोलने पड़ेंगे, ढीले करने पड़ेंगे दोनों, जितना ढीले करते रहोगे उतना टी नीचे आती रहेगी, क्योंकि दोस्तों इसकी मीटर में जो है वो वायरिंग बहुत अच्छी खासी दे रखी है, जिससे ये जो हमारा स्टेयरिंग है वो उठता नहीं है ओल्ड एक्टिवा के जैसा। तो इसलिए हमको धीरे धीरे नट खोलते रहना और टी नीचे आती रहती है, और उसके बाद आसानी से ये टी निकल जाती है, जैसे कि हमने निकाल संभाल के रखना। निकालने के बाद हम इसका मडगार्ड वगैरह खोल लेते हैं और दिखाते हैं आपको इसमें कितनी प्रॉब्लम है। इसका मडगार्ड भी खोलो, मडगार्ड भी टेढ़ा है और ये वाला पैनल भी खोलो, ये वाला सब कुछ साफ दिख रहा है, पूरा टूटा है, थोड़ा सा तेज़ी से लग गई थी गाड़ी उस बच्चे के साथ, बच्चा चला रहा था, एक लेके गया था गाड़ी। और मडगार्ड भी आप देख पा रहे होंगे, ये सब तो मैं खुद से करने वाला हूँ, डेंट वगैरह जितना हो सकता है उतना करते हैं। और हमने स्टे खोलने के लिए 3 नट खोलने हैं, मडगार्ड स्टे आपकी बाहर आ जाएगी, देख लीजिए टी हमारी, ये आपको साफ साफ दिख रही होगी कितनी टेढ़ी है। उसके बाद मैं जब बना के लाऊंगा इसको उस टाइम पे भी दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों अब बनाने जाते हैं। तो ये दोस्तों मैं अपनी टी बना के ले आया हूँ मार्केट से, बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, ये जो ऊपर आप हैंडल टी का पाइप देख रहे हैं जिसमें नट लगते हैं, गोलियाँ लगती हैं, वो पाइप पूरा अलग से निकालना पड़ता है काट के। ये देखिए अभी मैं दिखाऊंगा कि दोबारा से इसको वेल्डिंग करवाया है, अभी एकदम एक नंबर हो चुकी है, सीधी हो चुकी है बिल्कुल, आप देख पा रहे होंगे आपने पिछले वीडियो में देखा अभी बैक साइड कि वो टेढ़ी थी। अब देखिए ये वेल्डिंग इनने दोबारा से कर रखा है इसमें, क्योंकि ये पाइप जो होता है ना, ये वाला पाइप पूरा आपको टी जो बनाते हैं उनको बाहर निकालना पड़ता है, तब जाके हमारी गाड़ी सक्सेसफुल सीधी हो पाती है। लगाऊंगा तो चलिए दोस्तों हम इसको फिट करते हैं। फिट करने से पहले मैं एक चीज़ एक जानकारी दे दूं आपको, मेरी दुकान जो है रुद्रपुर के अंदर है, रुद्रपुर 3 पानी डैम पे है, पूछूंगा रोड में, अगर किसी भाई को मेरी दुकान या मुझसे काम करवाना है तो मुझे कॉल करके एनी टाइम कभी भी आ सकता है मेरे पास, और मुझसे अच्छा खासा अपना काम करा सकते हैं। या कोई भी जानकारी लेनी है तो गूगल मैप में सर्च मारे पवन ऑटो सर्विस एंड वॉशिंग सेंटर करके, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा वहाँ से, और आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, मुझसे काम करवा सकते हैं। जिस भाई को जो लोकल का होगा रुद्रपुर या आपका अगल बगल का होगा तो आप मेरे पास आ सकते हैं, आपका काम स्पेशल तरीके से हो जाएगा, सारा कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए दोस्तों अभी हम क्या करते हैं, इसको फिटिंग स्टार्ट कर दिए हैं, अच्छे से फिट करते हैं उड़ाओ पर, और उसके बाद देखते हैं इसको चला के कि गाड़ी हमारी कैसी चलती है, कैसी नहीं चल पाती है, या सक्सेसफुल है या सक्सेसफुल नहीं है। तो अभी मैं चेक करने के बाद आपको पूरी जानकारी दूंगा कि गाड़ी कैसी है कैसी नहीं है। ये हमने पूरा चकनट कर दिया है, इसको अच्छे से लॉक कर दिया है, और लॉक करने के बाद अभी हम चेक करते हैं फ्री प्ले कितनी है कितनी नहीं है, इसमें हमारी गाड़ी फंसेगी तो नहीं, या क्या होगा क्या नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों हम ये सारा कुछ चेक कर चुके हैं, सब कुछ ओके है, और धीरे धीरे करते हैं स्टीयरिंग फिट करते हैं। चलिए दोस्तों मैं सारा कुछ कंप्लीट करने के बाद आपको ये गाड़ी चला के दिखाता हूँ। तो दोस्तों गाड़ी हो चुकी है हमारी अगले से कंप्लीट, अब दिखा देता हूँ इसमें कहाँ कहाँ क्या क्या फॉल्ट था।
सबसे पहला फॉल्ट था इसका, ये जो मडगार्ड है ये पूरा पिचका हुआ था, इसको मैंने खुद ही डेंट कर रखा है बड़े प्यार के साथ। उसके बाद इसका जो आप देख पा रहे होंगे पैनल, साइड पैनल भी भुजता, ये मोल भी थोड़ा पिचका हुआ था। उसके बाद हैंडल टी तो जो थी वो तो थी थी, अभी फ़िलहाल मेरी गाड़ी एकदम एक नंबर चलने लग गई है, ओके हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और उसके बाद इसका जो ये देख पा रहे होंगे काला काला टाइप का दिख रहा है रिम, ये रिंग जी थी थोड़ी सी मुड़ गई थी, वो मैंने खुद अपने हाथ से सेट कर रखी है। सारा कुछ मैंने अपने हाथ से कर रखा है गाड़ी में, बस मैंने स्टेयरिंग जो था वो सीधा करवा रखा है। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, क्योंकि इस समय मेरी गाड़ी एकदम ओके हो चुकी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है गाड़ी के अंदर। तो चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।